बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए बहुत ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। नंबर एक, शरीर की किसी भी हिस्से पर कोई जहरीला कीड़ा काट लेता है तो मूली का रस लगाने से फौरन आराम मिलता है। नंबर दो, सुबह उठकर अपनी छत पर पक्षियों के लिए ताज़ा पानी रखने से घर में होती हैं खुशियाँ। नंबर तीन, जो औरतें बरकत रोटी बनाते समय पहली रोटी मोड़ कर रखती है तो यह शुभ माना जाता है। नंबर चार, जो इंसान पेशाब रोकता है उसे लकवा की शिकायत हो सकती है, साथ ही पेट संबंधी अन्य कई बीमारियों का भी खतरा रहता है। नंबर पाँच, यदि आपको गैस की समस्या है तो अदरक के टुकड़े पर काला नमक लगाकर मुंह में डालकर चूसते रहें, धीरे धीरे गैस बननी बंद हो जाएगी। नंबर छः, साथ ही हाथ या पैर में कट लग जाए या छिल जाए तो तुरंत ही शहद लगा लेना चाहिए, क्योंकि शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबाइल अच्छा होते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा कम होता है और घाव भी जल्दी भर जाता है। नंबर सात, अनार का जूस हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करता है। रोजाना अनार का जूस पीने से दिल स्वस्थ रहता है और खून की कमी भी नहीं होती। नंबर आठ, तांबे के बर्तन में 8 से 10 घंटे रखा हुआ पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है, साथ ही वजन कम करने में भी मदद मिलती है। नंबर नौ, यदि आप पूरे दिन में 2 चम्मच पीनट बटर खा लेते हैं तो आपके पूरे दिन की प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करने में मदद मिलती है। नंबर 10, सर दर्द होने पर तवे पर लौंग को भून लें। भुनी हुई लौंग को सूंघने से सर दर्द तुरंत बंद हो जाता है। नंबर 11, रोजाना कच्चा दूध चेहरे पर लगाने से चेहरे के रंग में निखार आने लगता है। नंबर 12, दुबले पतले लोग अगर खजूर के साथ भुने चने का सेवन करते हैं तो उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और कमजोरी भी दूर होने लगती है। नंबर 13, सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से वजन कम होता है। इसका असर आपको 10 से 15 दिन में ही दिखने लगता है। नंबर 14, ज़्यादा चाय पीने की आदत हड्डियों को कमज़ोर बना देती है। चाय का सेवन कम से कम करें, इसकी जगह आप ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। नंबर 15, चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए दही और टमाटर के रस में मिलाकर 10 टमाटर करस ममला कर मिनट के लिए चेहरे पर लगा लें, उसके बाद ठंडे पानी से धो लें। रोज़ लगाने से 10 से 15 दिन में ही असर दिखने लगेगा। नंबर 16, रात में जल्दी खाना खा लेने से आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 17, पैरों के तलवे में सरसों के तेल से मालिश करने से आँखों को गजब का फायदा मिलता है। नंबर 18, सुबह भीगे हुए चने खाने से वजन कम करने में मदद मिलती है, साथ ही आपके मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी मदद करता है। नंबर 19, यदि आपको सर्दी या जुखाम हो गया है तो कपूर की एक टिकी लेकर पानी में उबलने से फिर इसकी भाप लें, आपका बहुत फायदा होगा मिलेगा। नंबर 20, सुबह देर से उठने वाले इंसान के दिमाग की नस कमज़ोर होती हैं और शरीर में आलस भी आता रहता है। नंबर 21, अगर आपको ठंड लगने का एहसास हो रहा है तो आप हल्का गुनगुना पानी पी लें, इससे बहुत आराम मिलता है। नंबर 22, सुबह के समय ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाने से बचना चाहिए, वरना आपको कई बीमारी होने का खतरा रहता है। नंबर 19, गन्ने के रस में नींबू मिलाकर पीने से चेहरे की झारियां ख़त्म हो जाती हैं। नंबर
24 से बरसात के मौसम में कच्चा सलाद खाने से बचना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में कच्चे खाद्य पदार्थ खाने से बैक्टीरिया और छोटा जीवाणु बॉडी में आसानी से पहुंच जाते हैं, जो बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। नंबर 25, आयुर्वेद के अनुसार अगर आपको अंदरूनी कमजोरी महसूस हो रही है तो आप दूध के साथ शिलाजीत का सेवन करें। नंबर 26, सुबह के वक्त सूरज की रोशनी में बैठने से विटामिन डी की कमी नहीं होती। नंबर 27, चावल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे पेट फूलने की समस्या हो सकती है। नंबर 28, ज़्यादा थकान होने पर लेना चाहिए, इससे आराम मिलता है। नंबर 29, रात में सोने से पहले एक बार पेशाब जरूर करना चाहिए, इससे गुर्दे हमेशा ठीक रहते हैं। नंबर 30, पपीता बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और कैंसर से बचाने के लिए सहायक है। नंबर 31, दांत में दर्द होने पर गुनगुने पानी में थोड़ी सी हींग मिलाकर कुल्ला करने से दांत दर्द में आराम मिलता है। नंबर 32, पराठे के साथ आम का अचार खाने से भूख बढ़ती है। नंबर 33, सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज करने से दिन शरीर में फुर्ती बनी रहती है। नंबर 34, सुबह का नाश्ता न करने से शरीर में कई बीमारियों का खतरा बना रहता है। नंबर 35, याद करने से पहले जीरा खा लेना चाहिए, इससे याददाश्त बनी रहती है। नंबर 36, रोज़ाना एक सेब खाने से बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है। प्याज के कुछ टुकड़े काट कर कमरे में एक कोने में रखने से जुखाम की बीमारी नहीं होती। नंबर 38, ज़्यादा ठंडा पानी दिल की नसों को कमज़ोर कर देता है और दिल के दर्द का कारण भी बन सकता है। नंबर 39, जो लोग गर्मी में कद्दू का सेवन ज़्यादा करते हैं उन्हें सुकून की नींद आती है, साथ ही खून की कमी भी नहीं। अगर आप ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं तो सुबह के समय बकरी के दूध का सेवन करें, इससे कम होगी थकान आपको। नंबर 41, गर्मियों के दिनों में पानी में पुदीना डालकर पीना चाहिए, इससे आपको पेट भी स्वस्थ रहेगा। नंबर 42, रोज़ाना चने की दाल नींबू निचोड़कर खाने से पेट की चर्बी बहुत जल्दी पिघलती है। नंबर 43, यदि आपकी आँखों से पानी आना शुरू हो गया है तो जान लो कि आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है। नंबर 44, रोज़ाना सुबह खाली पेट शहद चाट लेने से कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। नंबर 45, शिमला मिर्च का सेवन करने से शरीर तंदुरुस्त रहता है और यह कैंसर भी बचाने का काम करती है। नंबर 46, हरी सब्जियों का सेवन करने से डिप्रेशन जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। नंबर 47, खाना खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। नंबर 48, प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करने से आपको कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। नंबर 49, यदि आप चावल का अधिक सेवन करते हैं तो इससे मोटापा बढ़ाने का खतरा बना रहता है। नंबर 50, ज़्यादा ठंडी चीज़ या बर्फ खाने से लीवर कमज़ोर होता है। नंबर 51, हल्दी वाला दूध पीने से शरीर में बहुत फ़ायदे होते हैं। नंबर 52, अंगूर खाने से स्किन पर नेचुरल ग्लो आता है, इससे चेहरे पर होने वाले दाग धब्बे और झुर्रियाँ से भी छुटकारा मिलता है। नंबर 53, सुबह जल्दी उठने वाला इंसान हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। नंबर 54, अंडे की सफ़ेदी जली हुई जगह पर लगा लो, छाला नहीं पड़ता। नंबर 55, खाने से पहले थोड़ा सा नमक चाटने से मुंह पर दाने नहीं निकलते। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी?
हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ज़रूर से दबाइए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले सबसे पहले। धन्यवाद।